और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं, फरुखाबाद से बीजेपी सांसद हैं मुकेश राजपूत जी। मुकेश जी, आपका स्वागत है। मुकेश जी, जिस तरह से बीजेपी को लेकर बाकी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो घेरने की कोशिश कर रही है, और इस तैयारी में आप देखिए कि सलमान खुर्शीद की एक किताब आती है, किताब का टाइमिंग पर सवाल उठते हैं, और किताब का जो कंटेंट है अमित मालवीय जी ने वो ट्वीट कर वो जानकारी दी है, किस तरह से हिंदुत्व को ऐसी संगठनों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्या कुछ इरादा है इनका? मैं आपको बता दूं कि जो सलमान खुर्शीद साहब द्वारा जी जो अपनी किताब लिखी गई द सन राइज ओवर अयोध्या जी, ये किताब सही माने में उन्होंने जो दिखाया है कि इस्लामिक आतंकवाद जो है जी और बोरो हराम जैसे इस्लामिक जो आतंकवाद हैं जी संगठन है उनकी तुलना एक हिंदुस्तान से की है जी। सही माने में इस देश में भारत पूरे देश में हिंदुत्व जो है वो हिंदुत्व एक संस्कृत का नाम है, क्योंकि हिंदू किस पद्धति से हिंदुस्तान में किस जीवन यापन किस तरह से कर रहा है, एक हमारी एक संस्कृत है हिंदुत्व जी। उसको एक आतंकी संगठन से तुलना की है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और सही माने में देखा जाए सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस में भी हंसिए पर हैं, तो हसीये पे होने के कारण कैसे चर्चा में आए, और इस चुनाव में जो मुस्लिम वोट कांग्रेस से खिसक रहा है जी, उसका ध्रुवीकरण वो अपने में कांग्रेस की तरफ कैसे ध्रुवीकरण करें जी, तो इसलिए उनने इस तरह का जो किताब है चुनाव से पहले ही उन्होंने जो लिखी है और वो ओपन की है, और इस तरह से जिस तरह से उनकी निंदा हो रही है सही माने में हिंदू समाज कहीं पर भी, ये हिंदुस्तान को बनाने वाला समाज है हिंदुत्व जो है पूरा समाज बनाने वाला देश को बनाने देश के निर्माण करने वाला समाज है जी। आप देख रहे होंगे जितने भी इस्लामिक संगठन हुए, इस्लामिक संगठन जो आतंकवादी जो गतिविधियां जो करते हैं चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो चाहे अलकायदा का हो चाहे तालिबान हो या बोरो हराम करके एक संगठन है जी। ये जो संगठन है इन्होंने जहां जहां रहे वहां वहां उस देश को तबाह किया, चाहे वो अफगानिस्तान हो और चाहे वो सीरिया हो और चाहे इराक हो और चाहे सूडान हो, इन देशों में इस्लामिक संगठनों जो आतंकी संगठन हैं उनके माध्यम से ये देश तबाह हुए। लेकिन आप देखिए मुकेश जी, जो दो संगठनों से कंपेयर किया गया है, एक संगठन अफ्रीका का है तो दूसरा मध्य एशिया का है, यहाँ पर भी पाकिस्तान को बचाते नजर आए हैं, क्या पाकिस्तान प्रेम जाहिर हो रहा है? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान प्रेम कहीं जाहिर नहीं है जी। पाकिस्तान भी आतंकी संगठन है और पूरा वो आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी लीडर्स और जहां पर भी अभी तक जो सो हुए हैं जहां पर भी, तो वहां हम लोग जानते हैं कि आतंकियों को जो संगठन देने वाला वो भी एक पाकिस्तान आतंकी संगठन देश है जो आतंकवादियों को संगठन बराबर संरक्षण दे रहा है जी। और ये पूरे विश्व में जग जाहिर है जी। जी बेशक, जिस तरह से अगर मैं बात करूं सलमान खुर्शीद की, फरुखाबाद से आप आते हैं, क्या ये बौखलाहट है दो बार हारने के बाद अपने आप को वापस पब्लिसिटी देने के लिए इस तरह की ये स्टंट किए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जी। ये जिस तरह से सलमान खुर्शीद साहब लोकसभा में पहली बार 2014 में जब चुनाव लड़े थे जी, तब उन्हें 1,00,000 वोट मिलता है जी, और जब दोबारा फिर 2019 में चुनाव लड़ते हैं जी, तब उन्हें 51,000 मात्र वोट मिलता है जी, और जबकि वो देखा जाए मुस्लिम वोट ही फरुखाबाद जनपद में 2,00,000-2,00,000 के बीच में है जी। वो उन्हें मुस्लिम समाज का भी वोट नहीं मिला है, हिंदू समाज का तो छोड़ दिए, उन्हें अपने समाज का भी वोट नहीं मिला है, ना हिंदू समाज का वोट मिला ना मुस्लिम समाज का वोट मिला, जो भी कांग्रेस पार्टी का जो वोट है वेस्ट वोट है या व्यक्तिगत उन्होंने किसी तरह से चुनाव प्रबंधन में लोगों को कार्यकर्ताओं को लगा के रखा है, तब वो पूरी लोकसभा में, अब समझिए पूरी लोकसभा में उन्हें 50,000 वोट मिला है, तो मैं मानता हूं ना उनके साथ हिंदू है ना कोई उनके साथ मुस्लिम है, और वो जिस तरह से दोबारा इस तरह की बात करके वो मुस्लिम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, और वो इस मुस्लिम को जोड़कर वो चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी से जो लगता है कि लड़ाई में जा रही है वो चाहते हैं कि कांग्रेस लड़ाई में आए, इसलिए इस तरह की वो बात कर रहे हैं।
बेशक जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी जो हैं वो किस तरह से एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं अब उनकी भी इमेज जो है वो लग गई है दांव पर, तो इस तरह के काम जो है क्या गांधी परिवार से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है? जो ये टाइमिंग है इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ कि यूपी चुनाव जो है अब नजदीक है और टाइमिंग जो है इसको लेकर ये उठता है सवाल कि क्या गांधी परिवार का भी सपोर्ट है? प्रियंका की नाक का सवाल हो गया है। मुझे ये नहीं मालूम पड़ता है, कभी कभी प्रियंका गांधी मंदिरों में जाती हैं, कलावा बंधवाती हैं, पूजा अर्चन करती हैं। जी, उसका क्रेडिट तो बीजेपी को देना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये इससे पहले भी उन्हें करना चाहिए था जो आज कर रही हैं, इससे पहले भी करना चाहिए गांधी परिवार को। हमने देखा माननीय राहुल गांधी जी हैं वो जनेऊ पहन के आते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वो भी ऊपर जनेऊ पहनते हैं, तो ये जनेऊ पहले भी पहनना चाहिए। ये सब चुनावी स्टैंड है, ये कहीं नहीं उनकी आस्था है। वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की भावना भड़का के और वो मुस्लिमों का वोट लेना चाहती हैं। उन्हें मालूम है हिंदू वोट हमें मिलेगा, किसी न किसी तरह से लोगों को बरगला के वोट मिल जाएगा, और दूसरा हमें मुस्लिम वोट अपने साथ कैसे लाएं, ये उनका अपना स्टैंड है। कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की भी जो अपने जो गांधी परिवार है उनकी भी इसमें सहमत होगी। बेशक जिस तरह से आपने जिक्र किया तो मैं उसका क्रेडिट तो बीजेपी को बेशक दूंगी कि अब जो है तो प्रचार करने का तरीका जो है वो बदल गया है। अब हर नेता जो है वो मंदिर जाता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जब आप हिंदू मुस्लिम का जिक्र करते हैं तो आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आप पर ये आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम जो है आपकी एक स्ट्रेटेजी रहती है, तो कहीं ना कहीं बैठे बिठाए आपको एक मुद्दा मिल गया है। नहीं, बिल्कुल जी, इसमें ये मुद्दा हमें उन्होंने कांग्रेस ने ही दिया है जी, सलमान खुर्शीद साहब ने दिया है जी, और उन्होंने ये जो मुद्दा दिया है इससे पूरे देश के, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और आगे आने वाले चुनाव में फर्रुखाबाद जनपद से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के हिंदू समाज इसका कड़ा जवाब देगा जी, और आने वाले चुनाव में कांग्रेस और सलमान खुर्शीद साहब की पूरी जमानत जब्त करने का पूरा बंदोबस्त करेगा जी। बेशक, लेकिन आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से काम कर रही थी, पुलिस प्रशासन को लेकर जिस तरह से वाहवाही हो रही थी, लेकिन बीते 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया है कि पुलिस प्रशासन का काम करने का तरीका, एक के बाद एक ऐसे केसेस आ रहे हैं चुनाव के आसपास आते हुए, तो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब कंट्रोल खो रहा है उत्तर प्रदेश से? देखिए, जब अच्छा काम होता है तो अच्छे काम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी भी आ जाती है, मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत। अब कहीं अधिकारी से कोई गलती हुई हो या किसी तरह से अन्य कहीं पर भी कोई घटना दुर्घटना हुई है जी, योगी सरकार निष्पक्ष उसकी जांच कराएगी और दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई की है, चाहे वहां पर हमारे अधिकारी क्यों ना हो या कोई भी आम आदमी क्यों ना हो, उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। और आगे भी योगी सरकार जो अभी घटना या दुर्घटना घटी है उन पर भी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, और जांच होने के बाद जो भी अधिकारी या जो भी आम आदमी जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी, चाहे वो अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जी। कहीं ना कहीं आज जब गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश, और अमित शाह की मैं ये बात कहूंगी, गृहमंत्री जब पहुंचते हैं उनकी एक ये यूनिक पर्सनालिटी है कि वो कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, एक ऊर्जा भरने का काम करते हैं, और अब यही कारण है कि बौखलाहट भी नजर आ रही है विपक्ष में। तो कोई जिस तरह से हिंदुत्व की बात करता है तो कोई जिन्ना की बात करता है, और आप जो बात करते हैं वो 300 पार की करते हैं। क्या कुछ रणनीति रहेगी अमित शाह जो आज पहुंचे हैं बनारस में, चुनावी बुगुल जो है वो दिया गया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक तो सलमान खुर्शीद साहब जिस तरह से अपना किताब जो लिखते हैं, किताब के माध्यम से हिंदू मुसलमान को अलग करने का काम करने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से अखिलेश यादव जी भी मैं देख रहा हूं कि उन्होंने भी अभी जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से की जी, और कहां वो लौह पुरुष जिन्होंने एक राष्ट्र को एक करने के लिए उन्होंने 556 रियासतों को एक करने का काम किया था जी, और उनकी तुलना जिन्ना के लिए जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया उनसे तुलना की, इसकी पूरे देश में इस बात का भी लोगों में आक्रोश है, कहां एक देश को तोड़ने वाला और कहां एक राष्ट्र को एक करने वाले की तुलना बराबर से की जा रही है। और ये चुनावी स्टैंड है, माननीय अमित शाह जी आज बनारस पहुंचे हैं जी, और बनारस में जाने पर वो कार्यकर्ताओं को जो भी है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र से संबंधित या पार्टी से संबंधित, कैसे पार्टी कैसे आगे हमारी सत्ता में पहुंचेगी इसका मंत्र देंगे, और कार्यकर्ता वो मंत्र लेके
निचले स्तर पर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और बूथ तक जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो 2022 में जो चुनाव है विधानसभा का, मुझे मालूम है कि पहले से भी कुछ सीटें ज्यादा आएंगी। तो जो 300 पार का नारा है उस पर अभी बीजेपी कायम है और उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसान आंदोलन का मैं जिक्र करना चाहूंगी, इस बीच जब आपने गांव-गांव का जिक्र किया, तो जो जिस तरह से संयुक्त मोर्चा जो है वो कह रहा है कि वो गांव-गांव जाएगा और लोगों को समझाएगा कि बीजेपी के खिलाफ आप वोट कीजिए, बंगाल का वो एग्जाम्पल देता है, क्या इसका फर्क नजर आपको आता है कि इसका असर जो है वो चुनाव पर, आने वाले चुनाव पर पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, जो किसान आंदोलन किसान लीडर्स कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के सहयोग से जो गुमराह किए गए हैं वो किसान आंदोलन कर रहे हैं। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे 3 बिल पास किए गए, इन तीनों बिलों को पास हुए लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी किसान को एक भी बिल से कोई नुकसान हुआ हो तो मैं अपने कांग्रेस के लीडरों से कहूंगा, जो कांग्रेस के जो नेता हैं बनते हैं अपने को, वो हमें बताएं आके कि हमारे ये कांग्रेस ये बिल से, किसान बिल से एक इस किसान का नुकसान हुआ है, मैं उस दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं इस मंच के माध्यम से उनसे आह्वान करना चाहता हूं, वो इस चीज से बताएं कि किस इस तीनों बिलों में से किस किसान को हिंदुस्तान में 2 साल में किसी का एक नुकसान हुआ। ये सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है किसान नेताओं के द्वारा, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के संपर्क में है, इसलिए वो चाहते हैं जो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल अपनी जो राजनीतिक जो जमीन थी वो खो चुके थे, वो जमीन को वापस लाने के लिए किसानों को गुमराह करके किसान आंदोलन चलाया जा रहा है। और देश के सभी किसानों को, विशेष करके मैं बताऊं जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं मध्य उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर किसी किसान, चाहे पूर्वी हो चाहे मध्य में हो चाहे पश्चिम हो, पश्चिम में कुछ लोग हो सकते हैं जो किसान लीडर जो हैं हमारे राकेश टिकैत जी, उनके आसपास के कुछ क्षेत्रों में कुछ लोग गुमराह हुए हों, मुझे लगता है चुनाव आने तक वो भी सब ठीक होंगे और भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा विधानसभा में चुनाव सीटें जीतेगी, ऐसी मुझे आशा है। जी, तो आप हमारे साथ जुड़े बेबाकी से, हर सवाल का आपने जवाब दिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, शुक्रिया मुकेश राजपूत जी। तो ये थे हमारे साथ मुकेश राजपूत जी, जो बता रहे हैं कि सलमान खुर्शीद की जो ये किताब है उसके क्या कुछ मायने निकाले जाते हैं, और अब ये समझना भी होगा कि जिस तरह से अब चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में नजदीक है और इस तरह की बात, इस तरह की देश की एकता को तोड़ने का जिस तरह से इस किताब में जिक्र किया गया है, वो सवाल उठाता है कि आखिर मंशा क्या है, क्या कांग्रेस भी सलमान खुर्शीद के इन बयानों से वाकिफ है और क्या वो उसको सपोर्ट करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही, अभी वक्त है एक